हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ टिप्स में। तो ये वीडियो कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा 2020, बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए। इसमें क्या है, प्रश्नावली नंबर 10.1, ठीक है ना। 9वीं प्रश्नावली क्या है, उसमें कैलेंडर है और कैलेंडर इसमें समाएगा नहीं बोर्ड में। समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसमें समाएगा नहीं वो, तो आप 9वीं प्रश्नावली घर पे कर लेना, ठीक है ना। ये 10वीं प्रश्नावली है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है। एक किसान है, एक किसान ने 2058 रुपये और 50 पैसे के गेहूं एवं 1154 रुपये की 50 पैसे की मक्का बेची, तो उसने कुल कितने रुपये का अनाज बेचा। क्या बोला उसने, सिंपली देखिए आप, इसने क्या बोला कि 2058 रुपये और 50 पैसे 25 पैसे 2058 रुपये और 25 पैसे के गेहूं बेचे और मक्का कितने रुपये की बेची, 1154 रुपये और 50 पैसे इतने रुपये की मक्का बेची, तो उसने कुल कितना अनाज बेचा, इसने ये पूछा है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, आंसर देखिए इसका। गेहूं बेचे, गेहूं गेहूं उसने कितने बेचे, 2058 रुपये, ठीक, और 25 पैसे, ये रुपए है ना, ये रुपए रुपए, और ये क्या है, पैसे पैसे, ठीक, ये रुपए हैं और ये पैसे। रुपयों को आप अलग लिख दो और पैसों को आप अलग लिख दो, ठीक। गेहूं, और उसके बाद क्या बेचा उसने, मक्का। उसने क्या बेचा, मक्का। मक्का कितने में बेचा, 1154 रुपये। कितने में बेचा, 1154 रुपये, यानी 1154 रुपये की उसने क्या बेचा, मक्का बेचा। इसके नीचे आप मक्के की प्राइस लिख दो और पैसा 50 पैसा, ठीक, इतने पैसे के मक्के बेचे, यानी 1154 रुपये की और 50 पैसे के मक्का बेचे। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। क्या करना है, इनको अलग अलग जोड़ देना है। रुपयों को अलग जोड़ दोगे और पैसों को अलग जोड़ दोगे, ठीक। 8 और 4 12, 12 का 2 कह रहा है 1, ठीक। 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 का 1 कह रहा है 1, ठीक। 1 और 1 2, ठीक, 2 और 1 3, ठीक। अब इनको जोड़ दीजिए, 0 और 5 5, ठीक, 2 और 5 7, ठीक, आ गया, इनको जोड़ दिया। उसने क्या बोला है, उसने बोला है उसने कुल कितने रुपये का अनाज बेचा, कुल कितने रुपए का अनाज बेचा, तो देखिए कुल कुल उसने 3212 रुपये और 75 पैसे, 3212 रुपये और 75 पैसे का उसने कुल अनाज बेच दिया, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 8575 रुपये रुपये और 75 पैसे लेकर शहर गया। क्या गया, 8575 रुपये और 25 पैसे लेकर क्या गया, शहर गया, ठीक। इनमें से उसने 5852 रुपये और 25 पैसे का कपड़ा खरीदा एवं 2070 रुपये 25 पैसे का किराना का सामान खरीदा, ठीक। बताओ अब उसके पास कितने राशि शेष बची, ठीक है ना। अब उसके पास कितनी राशि शेष बची, तो इसका देखिए आंसर। इसमें क्या करना, आप कभी शहर जाओ या आपके मम्मी पापा शहर जाएं तो आपको बोले कि आप 5000 रुपये ले जाओ, ठीक, 5000 रुपये ले जाओ, ठीक है ना। उसमें से आपने क्या किया, 2000 रुपये का कपड़ा खरीद लिया, ठीक है ना, और 1000 रुपये आपने जूते खरीद लिए, 2000 रुपये का आपने कपड़ा खरीद लिया और 1000 रुपये क्या कर लिया, जूते खरीद लिए, तो आपने कितना रुपया खर्च कर दिया, इनको जोड़ दो। आपने कुल 3000 रुपये खर्च कर दिया, क्या कर दिया, 3000 रुपये खर्च कर दिया। अब आप क्या करोगे, आप लेके आए घर से 5000 रुपये और आपने 3000 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा 2000 रुपये। इसमें यही बोला है, इसमें यही बोला है, मैंने क्या किया, जो आपने खरीद, जो आपने खर्च की,
उनको मैंने जोड़ दिया 3,000 रुपया, 3,000 रुपया आप घर से कितने लेके, 5,000, 5,000 में से 3,000 मैंने घटा दिए, तो आपके पास कितने बचे, 2,000, तो आपके पास अभी 2,000 बचे। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना, ये मिटा रहा हूं मैं। अभी देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, दुकानदार के पास कितने रुपए थे, वो शहर गया था, देखिए वो शहर गया दुकानदार, दुकानदार के पास देखिए कितने रुपए थे, 8,575 रुपये क्या थे, दुकानदार के पास, और 75 पैसे, 75 पैसे इतने रुपए दुकानदार के पास थे। उसने कपड़ा कितने खरीदा, कपड़ा कपड़ा कितने खरीदा, 5,852 रुपये, 5,852 रुपये और 25 पैसे, इतने उसने क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा। अब देखिए, और किराना सामान, किराना सामान, किराना सामान कितने खरीदा, 2,070 रुपये, 70 रुपये और 25, क्या 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, इतने में उसने कपड़ा किराना का सामान खरीदा। तो उसने कुल कितने रुपए खर्च कर दिए, अब देखिए इनको जोड़ दो दोनों को, इन दोनों को, इनको आप जोड़ दो, तो देखिए ये 25 पैसे, 25 पैसे कितने हो जाए, 50 पैसे, कितने हो जाएंगे, 50 पैसे, ठीक। अब देखिए इनको जोड़ना, 2 और 0 2, 7 और 5 12, 12 का 2 कह दिया, 1, 8 1 9, 5 2 7, तो उसने कितना रुपया खर्च कर दिया, उसने कितना रुपया खर्च कर दिया, खर्च खर्च किया रुपया, उसने 7,922 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने बचे, वो घर से कितने ले आया, 8,575 रुपये और 75 पैसे, घर से इतने लाया उसने, खर्च कर दिए 7,922 रुपये और 50 पैसे, उसने इतने खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने बचे, तो इन पैसों में आप ये घटा लो, उसके पास बचे आ जाएंगे, तो 75 में से 50 गए तो 25, ठीक, 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5, और देखिए इसमें 5 में 9 जाएगा नहीं, तो आप देखिए इससे 1 ले लो, इससे क्या ले लो, 1 ले लो, तो 1 ले लो, ये 15 बन जाएगा, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए तो बचे 6, तो यहां पर बचा 7, 7 में 7 गए 0, तो उसके पास कुल कितना रुपया बचा, उसके पास 6,653 रुपये और 25 पैसे उसके पास बचे, 6,653 रुपये और 25 पैसे पास उसके बचे, ठीक है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, और इसमें आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक ले जय हिंद।